नमस्कार मित्रों, संदीप ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान पुलिस और जो रिट संबंधित जीके है वो पेश करने जा रहा हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है, बनी ठनी पेंटिंग शैली का संबंध किस शहर से है? तो आपको पता है बनी ठनी किशनगढ़ से संबंधित है। ये राजस्थान की मोनालिसा के नाम से भी जाना जाता है, मोनालिसा, ठीक है, राजस्थान की मोनालिसा। इस शैली का जो विकास हुआ था, बनी ठनी शैली का जो विकास हुआ था वो हुआ था राजा महाराजा सावत सिंह है। इसका जो दूसरा नाम था नागिरदास दत्त, ठीक है। किशनगढ़ शैली का जो विकास हुआ था ये महाराजा सावत सिंह है या नागिरदास दत्त के समय हुआ था। इसके जो चित्रकार थे वो थे निहाल चंद, और कभी कभी इसको मोर ध्वज नाम से भी ऑप्शन आता है, मोर ध्वज निहाल चंद, और ये यदि निहाल चंद आ जाए तो वो भी ऑप्शन सही है। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्य पक्षी का क्या नाम है? तो आपको पता है राजस्थान का जो राज्य पक्षी है वह है गोडावन, ठीक है, वह है गोडावन। गोडावन राजस्थान का राज्य पक्षी है, ठीक है। ये इसको इंडियन ग्रेट इंडियन ब्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये ज़्यादातर मरू राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर तथा जो सौर सेन बारा का जो अभ्यारण्य है उनमें अधिक पाए जाते हैं, और मुख्यतः पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। गोडावन, सौर सन बारा और मरु उद्यान जैसलमेर में अधिक पाए जाते हैं। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 3, जीण माता का मंदिर स्थित है। तो जीण माता का जो मंदिर है वो सीकर ज़िले में रेवसा नामक गांव में है। तो हम जीण माता का जो इसके जो मंदिर का निर्माण करवाया था, राजा हट ने, ठीक है, राजा हट ने इसके मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। कभी कभार क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि जीण माता के मंदिर का वर्तमान मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो वह है राजा हट। ये जो माता थी साकंबरी और अजमेर की जो चौहान वंश थे, जो वंश के शासकों की आराध्य देवी थी, ये कुल देवी नहीं थी उनकी, आराध्य देवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर महारानी कॉलेज कहाँ है? तो महारानी कॉलेज जयपुर में है। इसके बारे में कोई विशेष आपको जानकारी की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में बीकानेर के राठौरान की ख्यात के लेखक हैं, तो इसके जो लेखक हैं वह है दयाल दास, ठीक है, इसके जो हैं दयाल दास, इसके लिए जो लेखक हैं दयाल दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है? तो इसमें जो ये बंगाली दिखा रखा है, ठीक है, और नेक्स्ट है 7 नंबर का क्वेश्चन, मार्बल नगरी के नाम से मशहूर शहर का नाम क्या है? तो मार्बल के नाम से मशहूर जो शहर है उसका नाम किशनगढ़ है। अजमेर में सबसे ज़्यादा मार्बल निकाला जाता है, इसीलिए मार्बल नगरी के नाम, इसका उपनाम ही मार्बल नगरी रखा गया है। श्री तेजादी का धाम सुरसरा किस ज़िले में स्थित है? तो तेजाजी का जो धाम है वो सुरसरा नागौर में स्थित है। ये जो इसका नागौर में नहीं है, वो नागौर नहीं है सॉरी, यहाँ अजमेर में है, जहाँ भादवे की जो सुधा दशमी आती है उसका मेला लगता है। और ये जाटों के आराध्य देव थे, और इसके जो पूजा करने वाले भोपे होते हैं उसको घोड़ला कहा जाता है। इसकी जो घोड़ी का नाम था वो था लिल्लन, और इसका जो मेला लगता है वो है तेजा, और इस तेजा दशमी और भादवा सुदी
दसवीं को इसका मेला लगता है। इसके बाद नेक्स्ट है टायर ट्यूब उद्योग, राजस्थान में कहाँ स्थित है टायर ट्यूब? तो टायर ट्यूब का जो कांकरोली जो राजसमंद है, टायर ट्यूब राजस्थान में कांकरोली राजसमंद के अंदर इसका उद्योग है। तारागढ़ किला कहाँ स्थित है? तो तारागढ़ किला दो जगह है, अजमेर, अजमेर हो जाएगा और बूंदी। क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा, तारागढ़ किला दो है, अजमेर में तारागढ़ किला अड्डाइदीन के झोपड़े के पीछे है, जहाँ गर्भ गुंजन तोप रखी हुई है। ठीक है, अजमेर में तारागढ़ दुर्ग अड्डाइदीन झोपड़े के पीछे है, और इस तारागढ़ दुर्ग में गर्भ गुंजन तोप को रखा गया है। भरतपुर का संबंध किस राजघराने से है? तो आपको ये जाट जाट घराने से था। ठीक है, जैसलमेर का गुंडा राज किसने लिखा था? तो आपको पता ही होगा, गुंडा राज सागर मल गोपा ने लिखा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है मीराबाई के पति का क्या नाम था? तो मीराबाई के पति का नाम था भोजराज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्नोई समाज के संस्थापक है? तो विश्नोई जो समाज के संस्थापक है, जम्बोजी विश्नोई समाज के संस्थापक है। शेखावाटी क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है? शेखावाटी प्रमुख पूछा है यहाँ, तो प्रमुख नृत्य गिद्दड़ है। और इसके बाद में उदयपुर क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है उदयपुर, तो उदयपुर में जो भाषा बोली जाती है वो है मेवाड़ी, मेवाड़ी भाषा बोली जाती है। आहड़ौती हो गई कोटा बूंदी झालावाड़ के अंदर, और मेवाड़ी भाषा जो बोली जाती है वो उदयपुर क्षेत्र में बोली जाती है। बादशाह का मेला कहाँ लगता है? तो बादशाह का मेला ब्यावर के अंदर लगता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 84 खंभों वाली छतरी कहाँ है? तो 84 खंभों वाली छतरी बूंदी के अंदर है, बूंदी के अंदर है। टेलीफोन नंबर 1098 किससे संबंधित है? तो ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में राजस्थान सरकार की अपना खाता सुविधा का संबंध है, इसका मतलब ये है कि जमीन की जो ऑनलाइन जमाबंदी निकाली जाती है, नकल निकाली जाती है, उससे संबंधित है राजस्थान, राजस्थान की सरकार का अपना खाता अपनी सुविधा। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।